उत्तर प्रदेश के कई जिलों समेत रांची से लेकर वेस्ट बंगाल तक जुमे की नमाज के बाद लगातार हिंसा की खबरें सामने आई। इसी बीच कई राजनीतिक पार्टियां दंगाइयों का समर्थन करती हुई नजर आई, ये कहती हुई नजर आई कि पुलिस गलत कर रही है और बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इस पर एक पूर्व आईपीएस का गुस्सा फूटा और उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, कुछ लिप्पू विलाप कर रहे हैं कि रांची में पुलिस ने दो प्राणियों को गोली मार दी। अरे भैया, पुलिस गोली नहीं मारेगी तो क्या मारेगी? बीच में तीन स्टार बने हुए हैं। अब वैसा कर दे तो बेवजह पुलिस के चरित्र पर अपेक्ष होगा, इसलिए गोली से संतुष्ट रहें। गौरतलब है, निपुर शर्मा के बयान को लेकर लगातार जुमे की नमाज के बाद बहुत से विरोध प्रदर्शन किए गए, जिनमें दंगा फैलाने की कोशिश की गई। रांची में हनुमान मंदिर पर पथराव किया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरह पुलिस को घेर कर पुलिस पर भी पथराव किया गया। आखिर ये किस तरह का धार्मिक प्रोपोगंडा है जिसके चलते आप देश के जवानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, राज्य की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जब ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करती है तो कुछ तथाकथित सेकुलर नेता जो हैं उनको ऐसा लगता है कि अत्याचार हो रहा है। जब जवानों पर पथराव होता है, उन्हें घेर कर मारा जाता है, तो किसी को अत्याचार नज़र नहीं आता, किसी को नफरत नज़र नहीं आती, किसी को महंगाई नज़र नहीं आती, किसी को तेल के रेट नज़र नहीं आते। लेकिन जैसे ही कार्रवाई कर देती है पुलिस, तो सभी को लगता है कि देश में महंगाई बढ़ गई है, अत्याचार हो रहा है, ज्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है। पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।